बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा भी है। जो हम लोग टीवी पर देखते थे पेपर में, अब रियल लाइफ देखेंगे, हर कोई जागरूक होगा, बच्चा बच्चा भी चंद्रयान 3 के बारे में जान जाएगा। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है देख करके। जो हम लोग टीवी में देखते थे वो रियलिटी लाइफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आकर के सबसे बड़ी खूबियाँ ये लगी कि यहाँ पर जो पंडाल का निर्माण कर रहा है, कहने को तो नहीं चाहिए, लेकिन दो लोगों से हमने बात की तो मुसलमान समाज चाहते हैं। अरे आप ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंजूर अंसारी। कहाँ घर है आपका? जामताड़ा जिला। कहाँ पड़ता है? झारखंड। क्या नाम भैया हुआ आपका? सिद्दीक अंसारी। घर क्या हुआ आपका? जामताड़ा जिला। आपका भी धमतरा जिला है? हाँ सब वहीं। हाँ वहीं। बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग मुसलमान हैं क्या? हाँ मुसलमान है। इस बार का दुर्गा पूजा कुछ खास होने वाला है, इस बार का दुर्गा पूजा ऐतिहासिक होने वाला है। कारण जिस तरह से भारत देश ने चंद्रयान 3 का निर्माण करके चंद्रमा पर भेज करके एक इतिहास रचा है, उसी तरह से आज काराकाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गुडारी में कमेटी के द्वारा देखिए दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। मैं कैमरा में थोड़ा सा दिखाइए, फोकस करिए। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और लगभग 2 महीने से यहाँ पर कारीगर बाहर से जो बंगाल से आए हुए हैं काम कर रहे हैं, और बताया जाता है कि 3 लाख से भी ऊपर यहाँ का खर्चा होने वाला है। एक ऐतिहासिक पूजा है, और जब से ये पंडाल बन रहा है मैं बता दूँ कि फिर जिले से लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। चाचा हम बात करेंगे कि कितनी खूबसूरती होती है यहाँ के लोगों के द्वारा जो पंडाल बनाया जाता है और कितनी भीड़ भी लगती है। चाचा नाम क्या है आपका? हमारा नाम मुआ शंकर है। घर क्या हुआ आपका? घर गुड़ारी है। आप लोग गुड़ारी के स्थानीय रहने वाले हैं और इतना आकर्षक चंद्रयान 3 का जो फरमा है तैयार हो रहा है कि कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो बहुत बढ़िया हो रहा है। पूरा नाम हो रहा है आप लोगों का? जी नाम हो रहा है। अभी से भीड़ लग रही है तो कितना भीड़ हो जाता है? अभी से भीड़ लगती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है क्या, रास्ता नहीं मिलता है आने जाने का। स्थानीय बुजुर्ग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि कितना इस पंडाल को लेकर ये खुशी महसूस कर रहे हैं, उत्तेजना महसूस कर रहे हैं। चाचा नाम क्या है आपका? हमारा नाम जगदीश ठाकुर है। घर कहाँ है आपका? घर यही है गुड़ारी। गुड़ारी गुड़ारी के ऐतिहासिक धरती पर चंद्रयान 3 जो पूरा विश्व में नाम कमाया है भारत देश ने, और उसका आप लोग का आकर्षण बना रहे बनाया जा रहा है आपके गाँव के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। कम से कम पर डे 500 से आदमी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो पैसा तो खूब लागल हुई न? हाँ पैसा तो बहुत लग गया, उसी हम लोग कम से कम लाखों 3 लाख से कम नहीं होगा। मैंने इस बार ऐतिहासिक पूजा है और ऐतिहासिक जो भारत देश ने रचा है उसका जो प्रतिरूप है यहाँ पर उतारा जा रहा है। जी चाचा आपका नाम क्या है? शालिग्राम तिवारी। कहाँ के रहने वाले आप? गुड़ारी का। गुड़ारी के सब कोई रहने वाले हैं और कितना गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पूरा जिला और पूरा बिहार के लोग इसको देख रहे हैं। काफी देख रहे हैं, बहुत उत्सव मना रहे हैं इसको देखने के लिए। आपके बच्चे, आपके सगे संबंधी, आपके लड़के लड़के बनवा रहे हैं सब लोग? हाँ काफी बना रहे, सब परिवार लगा हुआ है इसमें, पूरा कमेटी के साथ चल रहा है। लाइट भी लगा है, 4 लाख 5 लाख लाइट भी है, इसमें भी 4 लाख रुपया खर्चा, 5 लाख है, और सब गुरु चारों तरफ जवार में हलचल मचा हुआ कि गुड़ारी में गुड़ारी के पंडाल को लेकर के जवार में हलचल मचा हुआ है। पूरा हलचल अभी से है। हम नासिर हो गया तो कहता गुड़ारी में कैसा पंडाल बन रहा है भाई, हमारे डॉक्टर कह रहे दवा लेने गए तो हम कहें चंद्रयान पंडाल बन रहा है, वहाँ देखिएगा तब सुने में, हम हमको मोबाइल पर आया। जिस तरह से भारत देश ने इतिहास रचा है, इस बार आपके गाँव, आपका समाज, आपका घर भी एक इतिहास रचने जा रहा है। काफी रचने जा रहा है, वो बहुत उत्सव मना रहा है देखकर। गुड़ारी की धरती पावन भूमि रही है और यहाँ के लोग काफी मिलनसार भी रहते हैं, और इसी को दुर्गा पूजा का नवरात्र को लेकर के अच्छा पंडाल बनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 कैसा चल रहा है आपको? ठीक है, बहुत अच्छा है, इसके लिए गौरवान्वित है हम लोग कि हमारे गांव में इस तरह का बन रहा है। खुशी महसूस हो रहा है? हाँ अत्यंत खुशी महसूस हो रहा है। और माँ दुर्गा की पूजा हो रही है तो और भी तो खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात है माँ दुर्गा की। महेंद्र पांडे। घर कहाँ आपका? गुड़ारी। सब कोई गुड़ारी का है, देखिए नाम क्या आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। घर कहाँ है? अमरथा। अमरथा से है। कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और खूबसूरती आई जब लाइट जलेगी तो। हाँ देखिए मंद मंद मुस्का रहे हैं, एक नौजवान साथी है और चंद्रयान 3 को देख करके मंद मंद मुस्का। भैया नाम क्या हुआ आपका? मंटू पासवान। घर कहाँ आपका? नाद। कैसा लग रहा है चंद्रयान 3 को आपने देखा, इसका प्रतिरूप उतारा जा रहा है और दुर्गा माँ के पंडाल के रूप में, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अभी अगल बगल के गांव में ऐसा पंडाल बनने के लिए बन रहा है? नहीं इधर तो अभी ऐसा नहीं बना है, लेकिन जो अभी जो बन रहा है बहुत एकदम अच्छा बन रहा है, हम लोग बहुत खुशी हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कैमरा को देख करके और माइक को देख करके, देखिए बचवा भाई सजान सुनू की कुछ पूछ रही है कैमरा वालू। एक भैया है, नाम क्या है भैया आपका?
प्रदीप कुमार सिंह पड़ेगा। कहाँ घर है आपका? हमारा घर पड़रिया पड़ेगा। पड़रिया जी? कौन से पड़रिया? यहाँ बुढ़ल के पास में, ये गुड़ारी के बगल में है। आपके क्षेत्र में चंद्रयान 3 का प्रारूप तैयार किया जा रहा है माँ दुर्गा के पंडाल के रूप में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे जितना भी दोस्त वोस्त है, ये हमारे गुड़ारी के जितना भी रहने वाले भाई है, गुड़ारी के आजू बाजू भी है, वो लोग सब लोग भी मिल के यहाँ मतलब ये किए हैं कि मतलब कि हमारे यहाँ मार्केट के और ये हमारे जिला जवार में नाम हो जाए, जिससे कि चंद्रयान 3 को हम लोग पूरा विश्व में नाम किए, उस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी गुड़ारी का पंडाल का पूरा नाम हो। ऐतिहासिक जिस तरह से इतिहास बनाया है भारत देश ने, उसी तरह से आप लोग भी ऐतिहासिक ये पंडाल बना रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। नौजवानों के लिए क्या अपील है? नौजवानों के लिए अपील है कि हम लोग भी उत्साह रहेंगे कि हम लोग भी इसरो के नीचे आके कहीं काम करें, हम लोग अपने देश को आगे और ले जाएं। देखिए, ये एक पूजा भी नहीं हो रही है, एक नौजवान छात्र छात्राओं के लिए एक सीख भी है। जी जी बिल्कुल, ये हमारे लिए ये सीख है कि हम लोग ये देख कर हमें अंदर से जो छोटे बच्चा है, हम लोग भी उम्मीद करें कि हम लोग भी वहाँ पहुँचे जो इसरो के नीचे काम करके जो भी वैज्ञानिक बन के इसको मतलब लंच करने में सहमत दिए, हम लोग उम्मीद है कि अगर हम लोग भी ऐसा हो कि हम लोग यानी कि माँ दुर्गा के पंडाल में अगर आप आए तो पूजा ही नहीं करें, इसके लिए कुछ आप सीख कर भी जाए कि जिस तरह से इसरो के नीचे रह करके भारत जिसने चंद्रयान 3 का निर्माण किया है, उसी तरह से हम लोग भी आगे बढ़े और उसे निर्माण करें। नहीं जी बिल्कुल, यही हम लोग का भी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रदीप कुमार सिंह ने। चलिए नौजवान साथी, इन्होंने कहा कि जिस तरह से इसरो के नीचे रहते हुए भारत देश ने चंद्रयान 3 का निर्माण किया था, इसको भी सीख लेनी चाहिए। आओ बाबू है नजा, अरे आवा 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 हो ना आवा आवा आवा, अरे आवा भागा मत। का नाम है? आयुष कुमार। घर कहाँ है आपका? गुड़ारी। चंद्रयान 3 बना था जनता के बारे में? हाँ। कहाँ बना था? कोची के पंडाल बनता चंद्रयान के? चंद्रयान 3 के। हाँ। कैसा लगा था देखे में? अच्छा लगा था। खूब भीड़ होता? हाँ। लोग देखे होता? हाँ। तो कुछ चंद्रयान 3 का कुछ जानकारी है इसके बारे में आपको? चंद्रयान 3 चंद्र चंद पर गया था। चंद्र पर गया हुआ है? हाँ। और वहाँ से फोटो खींच खींच के भेज रहा है ना? हाँ। बच्चे भी काफी उत्सुक है, और मैं कैमरामैन को उठा नजदीक से फोकस करिए, और बहुत सुंदर पंडाल है, पूरे बिहार में इसका चर्चा हो रही है, और रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड के गुड़ारी गांव में ये स्थित है और भव्य रूप के तैयार हो रही है, और अभी तैयारी इसकी बाकी है, ये अर्धनिर्मित है, और बताया जाता है कि 3 लाख से भी ऊपर इसका खर्चा गिर रहा है, और बंगाल से आए हुए कारीगर भी इसका कार्य कर रहे हैं। मैं कारीगरों से बात करूंगा, और यहाँ के स्थानीय जो पूजा कमेटी के सदस्य होंगे उनसे भी बात करूंगा, और बताऊंगा कि कितना शोर शराबा और कितना चर्चा है इस पंडाल का। जिस जगह पे खड़ा हूँ यहीं पर माँ दुर्गा विराजमान होंगी। आपको जो वीडियो दिखाया था बाहर में, वो चंद्रयान 3 का नजारा और ये अंदर का नजारा है, पीछे भी दिखाइए थोड़ा सा कैमरा मैन साहब, देखिए यहाँ पर भी इसका गुंबद जो तैयार हो रहा है, और अभी यह अर्धनिर्मित है, और अभी यह दशा है कि पूरे बिहार में इस चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही है, कि रोहतास जिले में विक्रमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ारी में एक बहुत बड़ा चंद्रयान 3 का पंडाल बन रहा है। कमेटी के सदस्य लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, कितने उत्सुक हैं और क्या इनके मन में चला कि जो जिस तरह से भारत देश ने इतिहास रचा है, इन्होंने भी पंडाल बना करके इतिहास रच दिया। भैया नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रंजन सोनी पड़ेगा। माँ दुर्गा का पंडाल बना रहे हैं आप लोग चंद्रयान 3 को लेकर के, कितना संदेश जाएगा छात्र छात्राओं को कि जिस तरह से भारत देश ने इतिहास रचा है, इसको आके सीख लें और दुर्गा पूजा का लेकर के दुर्गा माँ दुर्गा का दर्शन भी करें, क्या कहेंगे आप? ये तो चंद्रयान 3 जो अभी हम लोग काराकाट गुड़ारी में ये जो पंडाल भव्य का तैयारी हुआ है, ये बहुत सराहनीय है। अगल बगल जो देहात से जो आदमी जो आ रहे हैं, पूरा चर्चा का विषय हुआ है। करीबन 10-12 किलोमीटर लमसम पूरे जिले में इसकी चर्चा हो रही है, जिले से बाहर भी इसकी चर्चा है। हाँ, ये पूरा जिला में चर्चा हो रही है, और इसका बहुत सराहनीय है, और जितना भी है सब मिला जुला कर बहुत से अच्छा मतलब ये चीज़ हुआ है। और हम लोग का 20 तारीख का जल यात्रा है काफ़ी भारी मात्रा में, और अष्टमी के दिन हाथी घोड़ा ऊँट ये सब बाजा ओजा के साथ में हम लोग काफ़ी जन सैलाब के साथ में हम लोग निकलेंगे, और ये अष्टमी के दिन हम लोग का प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया, महाप्रसाद भव्य आयोजन किया गया है, और अभी तो पूजा चालू है। कहते हैं कि जो माँ दुर्गा की उपासना करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता है, दुख दर्द से धर्म से दूर रहता है, और यही कारण रहा है कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म में माँ दुर्गा की पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। बाबा नाम क्या है? हमारा तो नाम पड़ेगा अशोक कुमार तिवारी, घर गुड़ारी है। आपके गाँव के आपके समाज के बाल बच्चे युवक कमेटी के चंद्रयान 3 का निर्माण करके पूरा खुशी महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है?
हमको तो आवश्यकता से अधिक खुशी हो रही है। और जितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे क्षेत्र से इस प्रखंड के, जो जान गए हैं, वो आकर बच्चे देख रहे हैं कि चंद्रयान मैं पेपर और टीवी में देख रहा था और यहाँ पर लाइव देखने के लिए, हाँ यहाँ पंडाल में बन रहा है, और बच्चे इतना उत्सुक हैं देखने के लिए और इस पर अपने में परिचर्चा करते हैं। देखिए इसके बनने का कितना अच्छा उद्देश्य हुआ। बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि बनने का उद्देश्य है कि जिस तरह से इसरो के नीचे रह करके भारत देश ने चंद्रयान 3 का निर्माण किया था और एक ऐतिहासिक कदम है। बहने हैं, पूजा पर बैठी हुई हैं, नवरात्र की हुई है, आइए हम इनसे पूछते हैं कि कितनी खुशी इनको महसूस हो रही है। नाम क्या है आपको? अनीता कुमारी गुड़ारी। क्या कहते हैं आप? हम एक स्टूडेंट हैं। पढ़ते हैं जी। जिस तरह से भारत देश ने इतिहास रचा है चंद्रयान 3 का निर्माण करके, आपके समाज के लोग, आपके गांव के लोग, आपके भैया भतीजा लोग चंद्रयान 3 बनाए हैं, कितना शुभ समाचार और मैसेज आएगा छात्र छात्राओं के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा भी है। जो हम लोग टीवी पर देखते थे, पेपर में, अब रियल लाइफ देखेंगे, हर कोई जागरूक होगा, बच्चा बच्चा भी चंद्रयान 3 के बारे में जान जाएगा। और ये एक अच्छी बात भी है कि माँ के पूजा के साथ साथ एक उद्देश्य भी लेके जाएंगे कि जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने एक अच्छा कार्य किया जो पूरा विश्व नाम कमाया, तो उसके लिए एक सीख भी तो मिलेगी। जी जी बिल्कुल। कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? बहुत श्रद्धालुओं की तो बहुत भीड़ होती है, बहुत। जो छात्र छात्राएं हैं या जो गाँव जवार के लोग हैं जो काफी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी फर्स्ट बार कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, सबको करना चाहिए माँ के दरबार में पूजा। आपका? पूजा कुमारी। घर क्या है आपका? यही गुड़ारी। नवरात्र किए हैं? यस। आप ही किस गांव के लोग, भैया भतीजा लोग चंद्रयान 3 का निर्माण किए हैं, इस जिले के नहीं पूरे बिहार में इस पंडाल की चर्चा हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है देख करके, जो हम लोग टीवी में देखते थे वो रिलेटिव लाइफ देखने को मिल रहा है। और तो कुछ छात्र छात्राओं को सीख भी तो मिलेगी? हाँ एकदम मिलेगी। बहने थी पूजा पर बैठी हुई है और शाम के समय है और पूजा भी शुरू होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि इसी पंडाल में, इसी स्थल पर माँ दुर्गा विराजमान होंगी और इस क्षेत्र के नहीं, पूरे जिले के नहीं, पूरे बिहार के लोग उत्सुक है इस पंडाल को देखने के लिए। और जब यहाँ पर लाइट की व्यवस्था होगी और पूरी तरह से व्यवस्था होगी तो काफी यह भव्य बनेगा। आप देख सकते हैं कारीगर दिन रात लगे हुए हैं, बाहर से कारीगर भी आए हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं और चंद्रयान 3 को लेकर के काफ़ी लोगों में भी उत्सुकता है। नौजवान साथी कारीगर भी हैं, हम बात भी करेंगे। भैया नाम क्या आपका? अरे आप भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंजूर अंसारी। कहाँ घर है आपका? जामताड़ा जिला। झारखंड। झारखंड जी। ये जो आप चंद्रयान 3 बना रहे हैं, इसके पहले आप लोग कहीं बनाए थे क्या? जी नहीं, पहली बार बना रहे। पहली बार बना रहे हैं जी। कितने उत्सुक हैं लेकर के कि आपके हाथों से चंद्रयान 3 बन रहा है और कैसा लग रहा है आपको? ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कब तक ये तैयार हो जाएगा पंडाल? 20 तारीख को फाइनल। फाइनल आपको दे देना है जी। क्या नाम भैया हुआ आपका? सिद्दीक अंसारी। घर क्या हुआ आपका? जामताड़ा जिला। आपका भी धमतरा जिला है? हाँ सब वहीं। हाँ वहीं। कब तक ये पंडाल को तैयार कर देंगे आप लोग? पश्चिमी तक। हाँ। अभी तक से आपने कहीं बनाया है ऐसा पंडाल? नहीं, पंडाल हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसे फोटो मिलता है वैसे बनाते हैं। बना देते हैं। हाँ। ये आप लोगों की खूबियाँ है कि आप लोग देख करके बना देते हैं? हाँ देख कर बना देते हैं। तो अभी से लोग देखने आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं कि का हो चाचा, का हो भैया, कब बन जाए, तो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग जाकर। हाँ तो पूछ रहा, तो बोलते रहे जब पश्चिमी तक बन जाएगा फाइनल। अच्छा, बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग मुसलमान हैं क्या? हाँ मुसलमान है। कितनी भव्यता है और कितनी सुंदरता है कि एक हिंदू धर्म में एक जो पंडाल बन रहा है, ये मुसलमान जो है भाई लोग हैं हमारे, कारीगर है, इनका दिया हुआ ये प्ररूप तैयार हो रहा है। और कहते हैं कि माँ दुर्गा जो होती है शत्रुओं का नाश करती है और ये सभी के भाई बहनों के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से ये पंडाल का निर्माण हो रहा है और न जाति और धर्म से ऊपर उठ करके ये पंडाल की तैयारी हो रही है। चाचा नाम क्या हुआ आपका? मेरा सूरज देव नाम है। घर क्या हुआ आपका? नवाडी। कैसा लग रहा है पूरा पंडाल का शोर शराबा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? हाँ। भैया पंडाल कैसा लगा था? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चंद्रयान 3 टीवी में देखते रहे या लाइव देखे के मिली जी? कैसा लगा था? बहुत अच्छा। हमारे गुड़ारी बाजार में चंद्रयान 3 का शुरू नया विचार हुआ है, ऐसा पंडाल कहीं भी नहीं बन रहा है, हमारे गुड़ारी बाजार बहुत अच्छा पंडाल बन रहा है, अब इससे खुशी बात क्या है सर? इसीलिए बहुत खुश है आप लोग? जी सर। मन करे कब नवमी या दसवीं आए, कब भीड़ लगे और कब हम लोग देखे, बस यही बात है। अब कुछ यहाँ के नौजवान साथी बच्चे देखिए काफी भीड़ लग गया है, काफी उत्सुक है। नाम का रागनी। कौची बने तो पंडाल में पता बा? चंद्रयान 3
चंद्रा थ्री। ये देखिए बचवा को भी पता है कितना क्या नाम, कितनी उम्र है आपकी? उम्र क्या है तहार? उम्र 7 साल के बड़ू। इसको भी पता है कि चंद्रयान थ्री गुड़ारी में बन रहा है, तो खूब भीड़ लगा था, देखे के मन करता, खूब मन करता नू, खूब देखे मन करता हो। क्या नाम बा तहार? प्रिंस कुमार। क्या बनोता? चंद्रयान थ्री। चंद्रयान थ्री का शोर पूरे विश्व में है, और इसके लिए देखिये छोटे छोटे बच्चे है, 4 साल 5 साल 7 साल के, ये भी देखने के लिए। क्या नाम हुआ? आयुध कुमार। कहाँ है रहा? कोलाली। पंडाल देखे? देख ले ला। नौजवान साथी के साथ साथ, बुजुर्गों के साथ साथ, बच्चों की टोली घूम रही है और देख रही है, और कारीगरों से बार बार ये बातों को पूछ रही है कि चंद्रयान थ्री का निर्माण कब होगा और कब हम लोग इस पंडाल का दीदार करेंगे और माँ दुर्गा की पूजा भी करेंगे। पर तू यहाँ पर आकर के सबसे बड़ी खूबियाँ ये लगी कि यहाँ पर जो पंडाल का निर्माण कर रहा है, कहने को तो नहीं चाहिए, लेकिन दो लोगों से हमने बात की तो मुसलमान समाज चाहते हैं। कितना अच्छा बात है, कितने धर्म से ऊपर उठ करके हिंदू धर्म का पूजा हो रहा है, सनातन धर्म का, और मुसलमान के भैया लोग मिल करके इस पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। इससे अच्छा और इससे बेहतरीन था और कहीं नहीं हो सकती है। कहा भी जाता है कि माँ दुर्गा जो होती है शत्रुओं का नाश करती है, और माँ दुर्गा के जो उपासक होते हैं कभी दुखी नहीं होते हैं। कमेटी के सदस्य लोग आए, हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनके मन में आया कि जिस तरह से भारत देश ने इतिहास रचा है उसी का प्रारूप उतार करके चंद्रयान थ्री का छात्र छात्राओं का, क्षेत्र के लोगों का मैसेज दे कि जिस तरह से इसरो के नीचे रह करके भारत देश ने इतिहास रचा है, इन लोगों ने भी आज इतिहास रच दिया है। भैया नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत प्रसाद हुआ। जिस तरह से भारत देश ने इतिहास रचा, आज भी आप गुड़ारी के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश काफ़ी सफलता हासिल किया है चंद्रयान थ्री को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करके, उसी के खुशी के उपलक्ष में हम लोग भी अपना थीम रखे हैं चंद्रयान थ्री का। छात्र छात्राएं टीवी में देखते थे, सोचते थे और सीख लेते थे कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने इसरो के नीचे रह करके चंद्रयान थ्री का निर्माण किया और चंद्रमा पर भेजा है। कितना आपका पंडाल छात्र छात्राओं को सुबुद्धि देगा, सोचने में मजबूर करेगा कि इस पंडाल को देख करके हम भी वैज्ञानिक बने और देश का नाम ऊंचा करें? बताइए, यही बात बोलेंगे जी। काफ़ी उन लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, और वो जो लाइव देखेंगे, एक टीवी पे देखना और एक लाइव देखना काफ़ी उससे अंतर होता है। यानी कि छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र में काफ़ी जिज्ञासा जगेगी? जी, जरूर जगेगी, और हम आशा करते हैं कि हमारे तरफ से भी एक वैज्ञानिक निकले। देखिए कितनी खुशी की बात है कि इस कहा जाता है कि जो गुड़ारी की धरती है वो पावन धरती नहीं है, और बहुत बड़ा बाजार है जब देखेंगे आप तो, और यहाँ से लोग कुछ लेके जाते हैं, सही बात है कि नहीं? यस। तो इस बार भी ये सीख ले करके जाएंगे कि हम लोग जो चंद्रयान का जो दृश्य देख रहे हैं वो सपने में देखते थे, वो हकीकत में हम लोग भी इस तरह काम करें कि आगे हमारा भी नाम हो, आगे भी हमारे गाँव का जो लड़का लड़की जो भी देखे छात्र छात्राएं उनको इससे सीख मिले, और आगे चल के इसमें कुछ वैज्ञानिक भी निकले यहाँ से। चर्चा है जिले में नहीं, पूरे बिहार में चर्चा है इसको लेकर के, तो जो खबर को देखेंगे, जो वीडियो को देखेंगे, उनके लिए क्या अपील है, कब आएंगे को पूर्ण रूप से इसका दीदार होगा और माँ दुर्गा का प्रसाद भी खाएंगे? सप्तमी के दिन जो हमारे 21 तारीख को इस पट खुल जाएगा माँ का, उसके बाद पूरे गांव और जवार के जितने भी लोग हैं यहाँ डेहरी और यहाँ आपको सासाराम तक ऐसा कोई पंडाल नहीं बना है, जो हम लोग बहुत पहले ही जिस दिन ये बात हुआ था चंद्रयान हुआ उसी दिन हम लोग सोचे थे कि यहाँ गुड़ारी में हम लोग चंद्रयान दिखाएंगे, और ऐतिहासिक आप लोग रचने वाले हैं? हाँ, यहाँ ऐतिहासिक रचने वाले हैं, और पूरा यहाँ बहुत दूर दूर तक खबर पहुँचा हुआ है कि गुड़ारी में चंद्रयान बन रहा है। सुने कि 8वीं के दिन यहाँ पर महाप्रसाद भी है, भव्य यहाँ शुद्ध घी का प्रसाद बढ़ता है, और यहाँ गंगा आरती का भी आयोजन किया गया, जो गंगा आरती होता है वहाँ आपको बनारस में, वो पंडित लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ है, पूजा भी करिए, सीख भी लीजिए, गंगा आरती का भी नज़ारा लीजिए, भक्ति भी लीजिए, महाप्रसाद भी पाइए, यानी कि जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने लिए मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर उसके लिए सब कुछ आप लोगों ने व्यवस्था रखा है? सारा चीज़ व्यवस्था किया हुआ है, और ये पूरे मेरे गाँव और ये जितना बाजार है उसी के सहयोग से इतना अच्छा माने कार्यक्रम होता है, और यहाँ जो भी फंड का आयोजन किया जाता है ये हमारे गांव का दिया हुआ है, और ये जितना बाजार वासी खर्चा बता सकते हैं लगभग कितना होगा इसमें? 4,80,000 रुपये का खर्चा है ये पंडाल का टोटल,
और तो अलग छोड़ दीजिए और अदर छोड़ दीजिए जितना खर्चा टोटल 11 लाख रुपया खर्चा होता है यहाँ। ये देखिए पैसों की तो खर्चा है लेकिन जो इसे सीख मिल रही है, जो समाज के लोगों को जा रहा है, जो छात्र छात्राओं को देख रहा है, काफ़ी काबिले तारीफ है। और जब ये पूरा पंडाल बन के तैयार होगा तो मैं फिर खबर बनाने आऊँगा और आपको लाइव दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने, इस भावन धरती के छात्र छात्राओं ने एक सीख दिया है युवाओं के लिए कि आप भी सीखिए और इसरो के नीचे जा करके ऐसा ही एक और सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। सेल्फी, हाँ सेल्फी देखिए कहाँ सेल्फी आपका आगे, हाँ ये सीढ़ी से आगे जाके और आप सेल्फी पॉइंट पे अपना फोटो भी ले सकते हैं। देखिए सेल्फी पॉइंट भी हुआ है ताकि लोग आकर्षण हो, आए और भीड़ लगे जी, कि फैमिली के साथ अपना फोटो लें और अपना दिखाएं कि हाँ भाई हम चंद्रयान के पास सामने जाकर अपना फोटो लिए हैं। काफ़ी खूबसूरती है और वीडियो भी मेरा बड़ा हो चुका है, तो मैं फिर आऊँगा 2-4 दिन के बाद और खबर को बनाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से यह भव्य चंद्रयान 3 का निर्माण हुआ है। चंद्रयान 3 के पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है और काराकाट थाना से विधि व्यवस्था प्रभारी निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। पता चला कि काफ़ी यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आएंगी, तो विधि व्यवस्था प्रभारी से जानेंगे कि किस प्रकार से इनका व्यवस्था है और किस प्रकार से अपना सेवा देंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं काराकाट विधि व्यवस्था प्रभारी राजकुमार सिंह। चंद्रयान 3 का यहाँ पर पंडाल बन रहा है माँ दुर्गा का पूजा को लेकर के, और सुनने में आया कि काफी लाखों की संख्या में भीड़ होगी, तो किस प्रकार की व्यवस्था है? एकदम भीड़ होगी, हमारा पुलिस जहाँ तक है लेडीज से लेकर के यहाँ कमेटी के लोग भी हैं, सारे लोग एकदम सर्वसम्मति से, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों का ग्रामीण स्तर पर भी, चौकीदार स्तर पर भी और लेडीज फोर्स, हर तरह से व्यवस्था टूटन जाए, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। श्रद्धालुओं से क्या अपील है, जिस तरह से लोग आएंगे भीड़ में लगेंगे उनके लिए क्या अपील है? उन लोगों को कतारबद्ध हम लोगों को जाने आने का और देवी जी का दर्शन करने के लिए हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे जो किसी को भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। हम बात कर रहे थे राजकुमार सिंह जी से जो विधि व्यवस्था प्रभारी है और काफी समय यहाँ पर रहते हैं, और आप कब कब यहाँ पे आप लोग निरीक्षण करने भी आ रहे हैं? हम एकदम बार बार 24 घंटा एकदम सीधा, मेरा क्या नाम है ये, आपकी सेवा में काराकाट के विधि व्यवस्था प्रभारी अपने टीम के साथ 24 घंटा मुस्तैद रहे। यही खूबिया है और यही विशेषता है रोहतास पुलिस की कि कह रहे हैं कि 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर काराकाट थाने की पुलिस। तो आपसे निवेदन भी है किसी प्रकार की अगर समस्या हो पूजा पंडाल में या अगर कहीं भी, तो काराकाट थाने के विधि व्यवस्था प्रभारी राजकुमार सिंह जी है, इनसे डॉक्टर है और समस्या का समाधान भी करावे। अब हमें पूरा पूर्ण विश्वास भी है कि काराकाट थाने की पुलिस इस पंडाल को सुरक्षा देगी और यहाँ के श्रद्धालु जो होंगे पूर्ण रूप से या खुशी खुशी से माता का दर्शन भी करेंगे।